नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में चुनावी प्रचार प्रसार का शोर अब थम गया है। 11 नवंबर शाम 5 बजते ही चुनावी शोर थम गया तो वहीं अब प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में दोनों ही प्रमुख पार्टियों के साथ ही आरएलपी, बाप और निर्दलीयों ने ताल ठोक रखी है। इसके साथ ही देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी और झुंझुनू की सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। हालांकि प्रचार के अंतिम दिन आज जहां सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में मोर्चा खोलते हुए नजर आए तो वहीं चुनावी सभा से आज कांग्रेस पूरी तरीके से बाहर नजर आई। राजस्थान में होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। आज प्रचार के अंतिम दिन सीएम भजनलाल शर्मा ने चौरासी और सलूंभर की जनता को साधने के लिए उनके बीच पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल की तुलना बीजेपी के 10 महीने के कार्यकाल से करते हुए बीजेपी क्यों जनता की पहली पसंद है और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है जनता के सामने रखा। हालांकि सीएम भजनलाल की सभा में जनप्रतिनिधियों और प्रत्याशी भीड़ जुटाने में आज भी नाकाम ही नजर आए। एसआई भर्ती पेपर लीक रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन की लगातार जारी है। पिछले 3 सालों से आंदोलन देखने को मिल रहा है तो वहीं सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिए जाने के बाद अब युवाओं के सब्र का बांध टूटने लगा है। बीते दिन 2 युवा एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ने के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की जिद पर अड़े रहे। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर मुलाकात को लेकर कई बार वार्ता की गई लेकिन युवाओं ने सीएम भजनलाल शर्मा से ही बात करने की बात दोहराते हुए टंकी से नीचे उतरने से साफ इनकार कर दिया। प्रदेश में मौसम अब लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। दिवाली के बाद से ही दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 1 सप्ताह की बात की जाए तो दिन और रात के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है लेकिन इसके बाद भी तापमान सामान्य से करीब 1 से 2 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट होने की संभावना है। साथ ही नवंबर के 3रे सप्ताह से सर्दी बढ़ने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश की महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नियुक्ति को लेकर बोनस अंक के प्रावधान को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। जस्टिस अनूप कुमार की अदालत ने यह आदेश मोहनलाल शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल माध्यमिक शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षक, प्रिंसिपल और कार्मिकों की नियुक्ति के लिए 11 जुलाई को विभागीय भर्ती निकाली थी। विज्ञप्ति में विभाग ने बोनस अंक देने का प्रावधान किया। विज्ञप्ति के अनुसार जो कार्मिक पहले से जिस जिले में कार्यरत है वह अगर उसी जिले को नियुक्ति के लिए प्रथम विकल्प के रूप में चुनता है तो उसे लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के अलावा 10 बोनस अंक दिए जाने के आदेश जारी किए थे जिसे अन्य कार्मिकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि महात्मा गांधी स्कूलों में नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग ने राजस्थान सिविल सर्विस रूल 2013 बनाए थे। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 12 में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भव्य और ऐतिहासिक पार्क का नींव पत्थर सोमवार को विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, वार्ड परिषद तरुण विजय भगवान दास गुप्ता, पूर्व पार्षद गौरव जैन आदि ने रखा। पार्क के शिलान्यास मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि आज का दिन वार्ड 12 के लिए बड़ा शुभ दिन है और यहाँ पार्क का निर्माण हो रहा है। भट्टा कॉलोनी में पूर्व में कोई सार्वजनिक पार्क नहीं बना हुआ था। वार्डवासी सौभाग्यशाली हैं कि उनको वार्ड में पार्क का निर्माण हो रहा है। इस पार्क का निर्माण विशेष रूप से वार्ड पार्षद तरुण विजय की मेहनत से हो रहा है। सभापति सुमित रणवा ने प्रयासों से पार्क की जगह पर भू अतिक्रमण हटा, इसका परिणाम यह है कि आज इस जगह पर पार्क की नींव रखी गई है। बीजेपी नेता सतीश पूनिया के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताई है। टीकाराम जूली ने बीजेपी नेताओं को चेताया है कि वे समाज में जहर बोलने का काम न करें। जूली ने कहा, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की चुनावी सभा में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बटेंगे तो कटेंगे शब्द का इस्तेमाल कर चुनाव में घृणा, भय और अराजकता पैदा करने की कोशिश की है। राजस्थान में महाराणा प्रताप के वंशज और उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन पर हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। 83 वर्षीय महेंद्र सिंह मेवाड़ पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और रविवार को उदयपुर के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही मेवाड़ क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में महेंद्र सिंह मेवाड़ के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित भाजपा नेताओं ने समोर बाग पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपियों में से एक गुलफीशा फातिमा की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने
गुलफीश फातिमा द्वारा 2020 में दिल्ली में दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर गैरकानूनी गति अधिनियम 1967 के तहत मामले में जमानत की मांग को लेकर ते हुए रिट याचिका दायर की थी। विचार करने से इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि वहां फातिमा की लंबित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख पर सुनवाई करें, जब तक कि मामले को स्थगित करने के लिए असाधारण परिस्थितियां न हों। वायनाड लोकसभा उपचुनाव कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को वायनाड के सुल्तान पात्री में रोड शो किया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी पर प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा है कि जब मैं पहली बार भारत जोड़ो यात्रा पर गया था तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह एक राजनीतिक पदयात्रा थी। पदयात्रा का उद्देश्य राजनीतिक था, लेकिन यात्रा की शुरुआत में ही मैंने देखा कि मैं लोगों को गले लगा रहा था और लोग मुझे चूम रहे थे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।